देहरादून के ट्रांसफोर्ट नगर फेज टू में निर्मित आवासीय इकाइयों के आवंटन पत्र सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा बांटे गए। ये आवंटन पत्र दुर्बल आय वर्ग के लिए चयनित लाभार्थियों को वितरित किए गए। इन लाभार्थियों का चुनाव किया गया जिनमें कुल 221 लाभार्थी शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाने के लिए लॉटरी सिस्टम किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थी जल्द से जल्द अपने आवास में चले जाएं। इस बार होली में लाभार्थी इन्हीं आवास में जाएंगे। सीएम ने कहा कि सबका विकास होगा तभी प्रदेश आगे बढ़ सकता है। सरकार के लिए सभी अपने हैं। प्रधानमंत्री ने नए भारत का सपना देखा है, वो गरीबी से मुक्त होगा। सबके पास आवास होगा, बिजली और पानी की सुविधा होगी, गरीबों को उनके हक का पूरा पैसा मिलेगा। इसके लिए जनधन खाते खुलवाकर पैसे सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इस मौके पर सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, इसमें जिन लोगों के आवास आवंटित हुए हैं वो बेहद सौभाग्यशाली हैं। 2022 तक सबका अपना घर हो, उसमें बिजली पानी शौचालय जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं वो उसमें उपलब्ध हो, उसी योजना के तहत आज यहाँ पर देहरादून में 224 लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ काजल की रिपोर्ट।